ये क्या, कोई हथियार नहीं है तेरे पास? तेरे पास तो है ना, उसी से काम चला लूंगा। क्या? क्या है, लगा दिया ना वाट साले, चाकू मारा, गोली चलाई, फिर भी दिल नहीं भरा तेरा। मार खा के भी आगे क्यों बढ़ रहा तू है? उस दिन मैं कैसे नहीं मरा मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, लेकिन उसी दिन से मेरी किस्मत चमक गई। उस सिंपथी की बदौलत मैं एमएलए बना और इतनी ऊंचाई तक आया। पीएम बनने ही वाला था कि तूने बीच में आकर सारा खेल ही बिगाड़ दिया कमीने। देश भर में चुनाव हो रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री बनना था उसे राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। आखिर कब तक बदला लेता रहेगा मुझसे, बोलना। तू क्या समझता है तुझसे बदला लेने के लिए मैं जिंदा हूं? तुझ जैसे बहुत से लोग मेरी जिंदगी में आए और गए, हर एक स्टेज पर कोई ना कोई। तू दोबारा मेरी जिंदगी में लौट आया है। मैं चाहूं तो तुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? बहुत मार लिया, बता चित्रा कहां है? चित्रा नहीं है बे, उसे मार दिया। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, चित्रा अभी जिंदा है। तेरे एक मजाक से 6 लोग जान गंवा बैठे, ऐसे मौकों पर मजाक नहीं करते। तूने चित्रा को कुछ भी किया तो मैं आऊंगा, ये तू जानता था, पर मैं आऊंगा तो क्या करूंगा? तो फिर क्यों कहा कि तू सूर्या को नहीं जानता? तुमने पूछा था सूर्या भाई को, मुझे नहीं। काम क्या करता है तू? कुछ नहीं। चल स्टेशन चल। कौन सा स्टेशन? पुलिस स्टेशन। लेकिन तुम लोग पुलिस नहीं लगते हो। अच्छा, चार लाठी पड़ेगी तो अपने आप लगने लगेगा। लेकिन लाठी है तो नहीं ना, कम से कम लाठी होती तो मान लेता। एक काम करो, स्टेशन जाकर लाठी लेकर आओ, वरना यूनिफॉर्म पहन कर आना। इस तरह बोलोगे तो नहीं चलूंगा। पुलिस मारेगी तो चलेगा, पर तुम मारोगे तो नहीं छोड़ूंगा। पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूं मैं, पुलिस की एक्टिंग करने वालों की नहीं। हम भी पुलिस वाले हैं। मैं नहीं मानता। ये घुसा बिल्कुल पुलिस का नहीं लगता, उसकी तो बात ही अलग है, नकली। दादागिरी क्यों बे, माफिया है तू? तेरी तो फिर से फसाद शुरू कर दिया तुम लोग ने। मुंबई को शांति से रहने नहीं दोगे ना? पब्लिक को चैन से जीने नहीं दोगे? चलो मीडिया को हटाओ प्लीज।
As I had promised, by 2012, we have wiped out the whole underworld from Mumbai. इस मामले में पुलिस पूरी तरह से कामयाब रही है, because Daud Ibrahim is now settled in Pakistan. छोटा शकील is inactive. छोटा राजन is working for government agencies. Abu Saleem in jail. And we all know Arun Gawli is in politics. कल हमने रवि पुजारी को भी गिरफ्तार कर लिया है. I am proud to say, rather my whole department is proud to announce that there are no more bhais in Mumbai. No more bhais. इसीलिए encounter squad को भी dismantle कर दिया है. कल से आप सभी लोग एक शांतिपूर्ण मुंबई को पाओगे. We made your dreams come true. आज के बाद किसी ने भी जुर्म की दुनिया में कदम रखने की कोशिश की तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा. जुर्म का ख्याल भी किसी के दिमाग में आया तो उसे कुत्ते की मौत मारूंगा. अंडरवर्ल्ड में किसी का साया नहीं पड़ेगा, पड़ने नहीं दूंगा. अरे यार तू आ गया. वेलकम टू मुंबई यार. यहाँ हर रोज लाखों लोग आते हैं लेकिन कोई एकाध ही किंग बन पाता है. ये मुंबई जब किसी को देना शुरू करती है ना तो देती रहती है. पता है मुंबई में 10 रुपए में भी खाना मिलता है और 10,000 में भी. यहाँ ज्यादातर लोग वड़ा पाव खाकर दिन गुजारते हैं. वड़ा पाव कितने का है जानता है? 8 रुपए का. यार कितने खुशनसीब है हम लोग कि दुनिया की सारी गरीबी हमारे पास है. दोस्त मैं जब मुंबई आया तो बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ी. नौकरी नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे, सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, जीने के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े. ये ले सूर्या. पता है तुम कितने किस्मत वाले हो? जब मैं मुंबई आया था मेरे लिए कोई नहीं था, पर तुम्हारे लिए मैं हूं. तुम्हारी लाइफ तो सेटल है. मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, धीरे धीरे तेरी गाड़ी पटरी पे आ जाएगी. मैं अपनी गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर नहीं लाना चाहता. तो फिर मैं मुंबई पे राज करने आया हूं. इस मुंबई शहर पर मेरी हुकूमत होगी. क्या डायलॉग मारा सूर्या, तबीयत खुश हो गई. ए सूर्या मैं काम पर जा रहा हूं, तेरे पास पैसे हैं? ये ले 100 रुपए हैं. घर में स्टोव है, खाना बनाकर खा लेना, या फिर नुक्कड़ पे एक ढाबा है वहां से खाना खाकर सो जाना. ये ले रख ले, पकड़ ना. तू जॉब कहाँ करता है? एक बड़ी फिनाइल कंपनी है, मैं वहाँ का सुपरवाइजर हूँ. कितना कमा लेता है? 12,000 महीना. क्यों? आज से तू मेरा असिस्टेंट है, मैं तुझे 25,000 पगार दूंगा. अपनी नौकरी छोड़ दे. मैं ये नौकरी छोड़ दूं? मैं तेरा असिस्टेंट, 25,000 पगार देगा? बाप रे बाप. ए अगर मैं पैसे नहीं देता तो ट्रेन से नहीं आ पाता, 100 रुपए नहीं दूंगा तो दोपहर का खाना नहीं खा पाएगा, खुद के खाने का ठिकाना नहीं है, कहता है मुझे असिस्टेंट बनाएगा पगार. फिर से कह रहा हूं, मैं मुंबई शहर पर हुकूमत करने आया हूं. आज से तू मेरा असिस्टेंट है, तेरी महीने की पगार 25,000 है और तू ऑफिस नहीं जाएगा. घबरा गया क्या? हाँ सूर्या मुझे डर लग रहा है. अरे यार जब तक तू मुझसे नहीं डरेगा ये मुंबई कैसे डरेगी? बाहर चलते हैं, चल. ए तुझे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है. आखिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? धंधा करने. धंधा करने? कौन सा धंधा? क्राइम.
क्राइम? ए सूर्या सूर्या, तू लगता है गड़बड़ करने के लिए आया। शाम की गाड़ी का टिकट कटा देता हूँ, तू वापस चला जा प्लीज। अबे अरे रे 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 रे, उनसे क्यों पंगा लेता है, वो बड़े लोग हैं। अरे मुझे भी ऐसे ही लोग चाहिए। मार्टिन साला कौन है ये? ए कौन है तू, क्या देख रहा है? हाँ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। इसी कार को मुंबई ब्लास्ट में इस्तेमाल किया था, वो काम तूने किया था या किसी से करवाया? नो 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 सर, दिस इज माय कार, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। नाम क्या है? कसाब। नहीं 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 सर, मैं वो कसाब नहीं हूँ। मैं जानता हूँ तू वो कसाब नहीं है, लेकिन तुझे अंदर करने के लिए तेरा ये नाम ही बहुत है। चल 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 दादर पुलिस स्टेशन, चल चल चल। सर मेरी बात सुनिए, चला सुनो इधर आ, उन्हें देख रहे हो? मैंने उनसे कहा है मैं एसआई हूं, लेकिन तुम उनसे मत कहना मैं एसीपी हूं। सर सर नहीं, ओवर एक्टिंग मत करो। इन दोनों पर शक हुआ इसलिए लेकर आया हूं, गाड़ी का नंबर हमारे रिकॉर्ड्स में, उन दोनों के पास जाकर हफ्ता मांग लो। दिया तो समझो दो नंबर वाले हैं, वरना अच्छे लड़के हैं। जाकर ट्राई मारो, जा। ओके सर। चल लगा, अंगूठा लगा। सर, सर आप ये क्या कर रहे हैं? सर मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन ये गाड़ी हम चल रिकॉर्ड्स में है। सर ये कैसे हो सकता है? चलना। सर हमने कुछ नहीं किया। अरे ये पोटा कैसे बाबा? चल सर, सर प्लीज। अरे चल, अरे अंगूठा लगा, चल सर। अरे लगा तो। सर आप जो बोलेंगे हम करेंगे सर। चल माल निकल, माल दे। सर काम झाले। आज से उस गाड़ी पर नजर रखना, तुम्हारा नंबर मुझे दो। ठीक है सर। कितने दिए? 30,000। 5,000 तुम रखो। बरा बाकी इंसाफ को दे दो। सर टच में रहना। अच्छा सर, माजा नंबर से होकर का। सुपर, ये तेरा एडवांस है, अब तो खुश। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सूर्या, आजकल पैसा तो कैसे भी कमाया जा सकता है, लेकिन किसी 56 छुरी लड़की को ढूंढना मुश्किल है। हाँ सूर्या बहुत मुश्किल है। मैं मुंबई पर राज करने के लिए आया हूँ, इस राजा को एक रानी तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? हाँ बिल्कुल चाहिए। जानता है मेरी रानी कौन है? कौन है? मुंबई पुलिस कमिश्नर अजय भारद्वाज की बेटी चित्रा। हाँ? अकल नहीं है तुझे? कितनी बार कहा है मेरा पीछा मत कर? What? मैं तुझे पसंद नहीं करता, समझ में नहीं आया? ये आप क्या बात कर रहे हैं? खामोश। बात बात पर मैसेज करती हो और मिस कॉल देती हो। हमारे लंदन ऑफिस फोन करके तुमने कहा हमारा चक्कर है? मेरी तो नाक कट गई। डैड भी पूछ रहे थे लड़की कौन है। आवाज बंद। जब भी फेसबुक पर लॉग इन करता हूँ सैकड़ों मैसेजेस होते हैं, सब तुम्हारे। मेरे? ट्विटर ओपन करने में शर्म आती है। अडल्ट जोक्स क्यों भेजती हो? लड़की हो ना तुम, लड़का होकर भी मैं पढ़ नहीं पाता। आखिर मेरे फोन नंबर तुम्हें मिलते कहाँ से? मैं हर रोज अलग अलग कंट्री में घूमता हूँ। ईच एंड एवरी ट्रिप ऑफ माइन इज कॉन्फिडेंशियल। तुम मुझसे प्यार करती हो या मेरा बिजनेस बंद करवाना चाहती हो? आप इतने रिच हो सर। अपनी फ्रेंड से कह देना ऐसी बेहुदा हरकतें बंद करे। बकवास बंद। ये रोना बंद करो, बंद करो। मैं मुंबई में 10 दिन रहने वाला हूँ, अगर फिर से मुझे इस बीच पर नजर आई या मैरियट होटल में आकर मुझसे मिलने की कोशिश की तो उस लॉबी में ही तुम्हें गाड़ दूंगा। याद रखना मेरी बात को। Hey, sir. Hi, sir. Sorry, मेरी फ्रेंड इतना डिस्टर्ब करेगी, मैंने सोचा नहीं था। By the way, my name is Aisha and this is my card. You can call me anytime. तुम जैसी लड़कियों को तो कॉल कर सकता हूँ, लेकिन उसे उसे कह देना ऐसी हरकतें दोबारा ना करे। Okay, sir. Yes, yes. पट गया, पट गया, पट गया. ला 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 ला. चित्रा छोड़ ना यार, बेचारा उसे पसंद नहीं तो क्यों डिस्टर्ब करती है? वो तो अच्छा लड़का है इसलिए तुझे समझा रहा था। चुप! मैं क्या उसको डिस्टर्ब करूंगी, मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती हूँ।
अरे तुम चुपचाप खड़ी क्यों थी? हाँ? मुझे बात करने का मौका ही कहाँ दिया? भूत की तरह डरा कर डांट रहा था, रोना आएगा ही ना। बचपन से आज तक मुझे ऐसे किसी ने नहीं डांटा, पता है? अरे छोड़ ना यार, वो रिच किड है तो जैसी कितनी लड़कियां उसके पीछे पड़ती होंगी। बेचारा कंफ्यूज होकर डांट गया तुझे। फॉरगेट इट नाउ। देखिए, आप लोगों ने अपने घर बनाने के लिए हमारे बैंक से लोन लिया था जो अभी तक नहीं चुकाया है। बैंक आपको एक महीने का टाइम देती है, अगर एक महीने में आप लोगों ने लोन के पैसे नहीं चुकाए तो आपके घर, सामान, दुकान सब कुछ नीलाम हो जाएगा। कम ऑन। मेरे को तकलीफ हो रही है, वहां औरतों और बच्चों को सामान के साथ बाहर फेंक कर ताला लगाने की बात सुनकर वाकई बहुत तकलीफ हो रही है। आज के बाद धारावी में कोई भी फैमिली ऐसे सड़क पर नहीं आएगी, कोई रोएगी नहीं। 10 दिन में सबकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। धारावी में कोई भी घर अब गिरवी नहीं रहेगा। सबका लोन चुका दूंगा, ये सूर्या का वादा है। ए, कौन है तू? किधर से आया है? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से आए 2 दिन नहीं हुए, तू यहाँ क्या उखाड़ सकता है? तू तो यहीं पैदा हुआ है ना, तूने क्या उखाड़ लिया? अब तक जिसने भी कुछ किया वो सब कहीं ना कहीं से आए। कभी ना कभी किसी को आना है, कुछ ना कुछ करना है। उसी तरह मैं भी मुंबई आया हूँ, कुछ ना कुछ करूंगा, झंडा गाड़ दूंगा। तेरा घर गिरवी है? गिरवी है। जब तेरा कर्जा चुका दूं तो आकर मुझे गले लगा लेना। बस ये याद रखना कि मेरा नाम सूर्या है। बस ये याद रखना कि मेरा नाम सूर्या है। 10 दिन के बाद इधर ही मिलेंगे। 10 दिन के बाद इधर ही मिलेंगे। जश्न मनाएंगे। जश्न मनाएंगे। झंडा गाड़ देंगे। अरे 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 अरे, क्या हो गया तुझे? यहाँ खोली का भाड़ा देने के लिए जान निकली जा रही है। जानता है धारावी कितनी बड़ी है? इन सब का कर्जा कितना होगा पता भी है तुझे? तू चुकाएगा? दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा? मैं चुकाऊंगा या नहीं वो छोड़ दे। मेरी बात सुनकर इतने लोगों ने भरोसा किया, लेकिन एक दोस्त होकर तुझे भरोसा नहीं हो रहा? तुझे तो शर्म आनी चाहिए। रिच किड है यार। कम कम। आज ठीक करती हो इसे। हाय। आप दोनों यहाँ पर हो? How are you? मैं कब से ढूंढ रहा था। क्यों ढूंढ रहे थे? लॉबी में जिंदा गाड़ने के लिए? See, I didn't... चुप। मुंह बंद रखना। मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते, तुम कौन हो मैं नहीं जानती, मैं किसकी बेटी हूँ ये तो तुम बिल्कुल नहीं जानते। बोला ना, चुप। कल की तुम्हारी डांट की वजह से मैं पूरी रात कितना रोई जानते हो? अर्ली मॉर्निंग सपने में भी रोई। मैं जो कहना चाहता हूँ बिना सुने कुत्तों की तरह भौंक रही हो। मैं आपसे सॉरी कहने आया था। सॉरी कहने? किस लिए? मैंने आपको बेकार में डांटा ये कल रात पता चला। रात को कैसे पता चला? कल रात उसने शराब के नशे में मैरियट में हंगामा कर दिया, तब समझ में आया वो अलग है आप अलग हो। सॉरी हाँ। सूर्या। चित्रा। अच्छा तो पेंटिंग आपकी हॉबी? हॉबी नहीं है सर, वी आर प्रोफेशनल्स। ये आर्टिस्ट और मैं फ्लूटिस्ट। हाथ से क्यों पेंट कर रही हो? ब्रश क्यों नहीं यूज करती? ब्रश की क्या जरूरत है,
हैंडमेड थिंग्स आर मोर वैल्यूएबल। ओह, वैसे मुझे पेंटिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, मेरे डैड को बहुत इंटरेस्ट है। एक बार किसी ऑक्शन में पिकासो की पेंटिंग खरीदी थी, वो हमारे पेरिस के फार्म हाउस में रखी थी। अब भी वो वही है या हमारे कार शेड में रख दी है पता नहीं। कार शेड में? नॉट अ पिकासो, उसे यहाँ वहाँ मत रखिए सर। चित्रा, बचपन से बिजनेस में बिजी रहने की वजह से आर्टिस्टिक टेस्ट से बहुत दूर चला गया। आप जैसे किसी को पेंटिंग करते देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, किसी को फ्लूट बजाते देखता हूँ तो सोचता हूँ अरे काश मैं भी ऐसे बजा पाता, बहुत हर्ट होता है। डोंट वरी सर, बजाने के लिए मैं हूँ ना। कब बजाना है आप बताइए। I like you. तुम्हें बहुत एनकरेज करने का मन कर रहा है। थैंक यू सो मच सर। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम ही इकड़े और वो भी बिना सिक्योरिटी के? ये अपनी मैडम है। नमस्ते मैडम, नमस्ते। सी यू। बाय। इधर आओ। सर 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 सर। नाम क्या बताया था? तुकाराम सर। तुकाराम, आज का पेपर पढ़ा? पढ़ा सर। एक्स मिनिस्टर लालू शिंदे, क्या लफड़ा है वो? अरे वही सर, कुछ पुराने मर्डर केस में ललित मुंशी नाम का एक गुंडा अरेस्ट हो गया है। वो अभी सरकारी गवाह बनना चाहता है। अगर उसने अपना मुंह खोला तो लालू गेला कामत में। तुम लालू के सेक्रेटरी को जानते हो? जानता हूँ सर, मेरे गांव का है, सतारा से। हकीकत में मैं कौन हूँ बताए बगैर तुम्हारा खास आदमी कहकर अपॉइंटमेंट ले लो। मैं समझ लो सर। सुनो भाई, लालू जी हैं? अंदर हैं। कौन हो? सर से जरा पर्सनल बात करनी है। बोलो। तुम सबको पर्सनल का मतलब नहीं समझता? बाहर निकलो, चलो। जाओ। हो गई तुम्हारी चेकिंग? तो फिर ये क्या है? ऐसे निकम्मों को पाल करिए, फंसे हुए हैं। चल। तुझे अलग से बताना पड़ेगा। इसके बिना ना मैं कुछ सुनता हूं और ना ही कहता हूं। तो आजा आजा, बैठ जा। लालू साहब, आई लव यू। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। 5 साल पहले जब मुंबई आया तभी आपसे मिलना चाहता था, पर सोचा अपनी भी कुछ रेप्यूटेशन हो उसके बाद आपसे मिलना अच्छा होगा। आज मेरे पास अपना एक गैंग है, हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। सूर्या, इस नाम को यहां ना पहचानने वाला कोई नहीं है। तो इस कानून के चक्कर से कोई फायदा नहीं होगा। जेल में पड़े मुंशी को जेल में ही खत्म करने का प्लान बना के आया हूं। बस है या और कुछ चाहिए? कितना चाहिए? मुझे लालू जी की फ्रेंडशिप चाहिए। इस काम के बदले आप मुझे बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू। बस लड़कों के चाय पानी के लिए 5 लाख काफी है। साहब, पहले आई लव यू कह रहा था, 5 लाख मांग रहा है, ये मामला जमा नहीं, ये काम का नहीं है। बकवास सलाह क्यों दे रहा है साले? तेरा और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन फंस जाएगा ये। तेरे निकम्मे पन की वजह से इन पर शनि चढ़ा हुआ है। सच बोल, उस दिन मुंशी के साथ तूने डील किया था ना? इतनी गहराई में मत जाओ साहब। पता नहीं, मुझे लगता है कि ये लड़का काम कर लेगा। इसकी इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंस देखकर मैं यकीन से कह सकता हूं ये काम का है। दे दीजिए। इतने सारे पैसे किसने दिए? मैं जा रहा हूँ डोंगरी, तू चलेगा मेरे साथ? अरे बाप रे, वहाँ क्यों जा रहा है? वो तो पूरा गुंडे मवालियों का एरिया है। तो फिर हम जरूर जाएंगे। का
शकिल किधर है बे? अपुन तेरे को जानता है? नहीं। तो फिर काहे को मारा बे? कौन है तू साला? नहीं जानता तो मारने का नहीं क्या? शाना है तू? ऐसे घूरता क्या बे कुत्ते के पिल्ले? खाली फोकट का लफड़ा करने में मजा आता है तेरे को? खुद को शाना समझ रहा है? यहाँ डोंगरी में आके अपुन को धमकी दे रहा है? अबे मत जाना। अपुन तेरे को पहले ही बोला था ना, खाली हाथ मत जा, रोड निकल। मेरा हाथ पड़ने से मार खाने वाला जिंदा तो रहता है लेकिन जीने के लायक नहीं रहता, ये तेरे को भी पता चल जाएगा। मैं आज सिर्फ बात करने आया हूं इसीलिए तबीयत से नहीं मार रहा हूं। बताना शकील कहां है? ऐसे राउंड अप करके मेरे को कंफ्यूज मत करना क्योंकि कंफ्यूजन में मैं ज्यादा मारता हूं। शकील कहां है बे? मेरे को उससे बात करनी है। अरे शकील तो जेल में है, अब उन लोगों को काहे को मारता है? अच्छा वो जेल में है, तो फिर मेरे को तुमसे ही बात करनी पड़ेगी। ये कुछ गीला कपड़ा और बर्फ लेके आ बिडू। मुंबई में कोई भाई ना होने की वजह से तुम सब बेकार हो गए, तो आज से मैं तुम सबका भाई हूं। तेरे को भाई कैसे? तुम लोग ऐसा पूछोगे ये जानकर ही पहले मारा था, अब भी यकीन नहीं हुआ तो बोल दो, फिर से तुम सबकी अच्छी धुलाई करता हूं। ये साले अपन सब क्रिमिनल्स हैं यार, दो नंबर का धंधा करके अपने को जीना है? आज से मैं तुम सबको काम देता हूं, ये खाली पीली की अकड़ छोड़ के खुशी से काम कर लो। यार इन सबको 50-50 दे दे, ये ले। पॉइंट नंबर वन, अपने जितने भी छोकरे जहां कहीं भी हैं सबको बुला ले, मैं सबसे मिलूंगा। नंबर टू, एक वकील से बात कर लो, जेल में पड़े शकील को और उसके सारे साथियों को भी बाहर निकालना है। नंबर थ्री, शकील के जेल से बाहर निकलने के एक दिन पहले उसे एक काम करना पड़ेगा। तू उससे बात करेगा या मैं करूं? शुरू हो गई है। Hi, good to see you. ये सब क्या है? मेरा पेंटिंग एग्जीबिशन कम सेल। ओह, तो कितनी पेंटिंग्स बिक गई? 99% लोग देख के चले जाते हैं, लेकिन आप जैसे खरीदार बहुत कम आते सर। ये ऐसा क्यों है? ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। What? Abstract art is a style of painting where color and form make up the subject of the painting rather than it representing tangible objects or people. तुम्हारे कहने के बाद ही मैं इस पेंटिंग के बारे में जान पाया हूँ, मैं इसे खरीद लूंगा। Really? Thank you, sir. कितने का है? 20,000. बस इतना ही? हाँ। सिर्फ $20,000? $20,000? Yes, sir. It's $20,000 only. $20,000 means it's really cheap. Yes, sir. Not even 10 lakhs. अरे देना। क्या? चेकबुक। वो क्या होता है? चेकबुक नहीं लेकर आए? वो
It's okay. Swiping machine लाइए. I would like to swipe my credit card. Sorry, sir. We don't have a swiping machine. Swiping machine नहीं है. No, sir. It's so embarrassing, यार. It's okay, sir. No, कोई बात नहीं. One second. Aisha. Sir. कल तुम्हें फोन करके जगह बताता हूँ. आकर चेक कलेक्ट कर लो. Thank you. चित्रा. हाँ. ये पेंटिंग मुझे इतनी पसंद आई. इसे मैं घर जाकर पिकासो के पास लगा दूंगा. No, sir. Please, sir. It's an insult of Picasso. क्यों insult है? क्या कमी है इस पेंटिंग में? मैं तो बिल्कुल लगाऊंगा. जरूरत पड़ी तो पिकासो को बाहर फेंक दूंगा. सर नो सर प्लीज. क्या आर्टिस्ट है, कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडिया में, लेकिन इनकी कदर नहीं है. किसी भी तरह इन्हें ऊपर लेकर आऊंगा. अगस्त 15 के उपलक्ष्य में सेंट्रल जेल में आयोजित किए गए कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान एक आदमी की जान चली गई. ललित मुंशी, जिन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, वो कबड्डी खेलने मैदान में उतरे लेकिन जिंदा नहीं लौटे. कहा जाता है कि विरोधी खिलाड़ियों के लगातार दबाए रखने से उनकी जान चली गई. सूर्या भाई, ये कबड्डी कबड्डी क्या खेला सूर्या भाई, मजा आ गया. ये कबड्डी 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 कबड्डी. ओह, तुम अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ. ये कबड्डी 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 कबड्डी. सूर्या भाई, तुमने तो कमाल कर दिया. मेरी सारी की सारी परेशानियां तुमने तो कबड्डी खेल के मिटा दी. क्या चाहिए बोलो, कितना चाहिए बोलो. गुंडा लग रहा हूँ मैं तुम्हें? 10-25 हजार में बिकने वाला लग रहा हूँ मैं? ये सब मैंने तुम्हारे प्यार के लिए किया. मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, बहुत. अगर मैं भी तुम्हें पसंद हूं तो मुझे रख लो. रख लूं? ट्रीट मी लाइक योर मिस्ट्रेस. सुना है ना, लोग रखेल रखा करते हैं और उसे कार देते हैं, बंगला देते हैं, बैंक बैलेंस भी देते हैं. रख लो ना. साहब, ये उस मर्डर का नाजायज फायदा उठा. फायदा उठाने के लिए तो काम किया है. तूने फायदा नहीं उठाया क्या? तेरे कहां कहां घर है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, सब कुछ बता दूं क्या? साहब, इसे रख लीजिए. रख लो ना जान. तो मैं चलूं? आज जेल से अपने कबड्डी प्लेयर्स रिलीज होके आ रहे हैं. दिस मूवी इनकोडेड होस्टेड बाय ये शकील. शकील भाई, कबड्डी तूने ही खेली थी? हाँ भाई. सुपर. मैंने धारावी के लोगों से वादा किया था कि मैं उनका सारा कर्जा चुका दूंगा. इन सबको एक ही बैंक ने लोन दिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र. इतना पैसा हम लोग चुका नहीं पाएंगे, इसलिए हम जाकर वो बैंक ही लूट लेंगे, वो भी आज ही रात को. मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे खतरनाक काम मत कर यार. तुझे देखकर सच में डर लगने लगा है. मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तेरे साथ जुड़ गया. मैं यहाँ इसीलिए तो आया हूँ. घूमते घूमते बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसा है देख कर आओ. जाओ. एड्रेस यही है ना? चेक देने के लिए इस स्लम एरिया में क्यों बुलाया होगा? अरे यार, हो सकता है पूरा स्लम एरिया खरीद कर आईमैक्स बनाने का प्लान कर रहा होगा, हमें क्या पता. ठीक है, अच्छा एक बार फोन करके देखो. हेलो. हाय सर, आप कहाँ पर हैं? जरा यहाँ ऊपर देखो. हाय. ग्रेट सर, यू टू डाउन टू अर्थ. बैठो, समोसा खाते हैं. हेय, डोंट ईट दिस काइंड ऑफ स्ट्रीट फूड, यू विल स्पॉइल योर हेल्थ. टेक केयर, ओके? समोसे खाओ. एक मजेदार बात सुनाता हूँ. कैसी बात सर? अब मैं चेक नहीं देने वाला हूँ. कैश देंगे क्या? देता हूँ. पहले वो मजेदार बात तो सुन लो. चित्रा,
तुम्हें पहली बार देखते ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा। किसी तरह तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता था, तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। जैसा तुम सोचती हो मेरा कोई ऑफिस या कंपनी नहीं है। तुमने जो भी सुना लंदन पेरिस पिकासो सब झूठ था। मैं यहीं इसी झोपड़पट्टी में रहता हूं। मतलब तुम रिच किड नहीं हो? रोड साइड किड हूं। चेक वेक कुछ नहीं है और ना ही कोई बैंक अकाउंट है। यही बताना था, लेकिन एक बात सच जरूर है, दैट आई लव यू। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। मैं कभी शर्मिंदा नहीं होता। वैसे भी किसे देखकर शर्मिंदा हूं? मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं देखा जिसके सामने मैं शर्मिंदा हो जाऊं। ओके, तुम शर्मिंदा नहीं हो ना सही, पर हमें धोखा देना तुम्हें गलत नहीं लगा? सच बात कहूं, मैंने $20,000 पूछते ही हूं हूं करके तुम दोनों सिर हिलाती हुई मुझे 10 लाख का चूना लगाने नहीं आई? क्या ये धोखा नहीं है? चित्रा, हम सब यहां एक दूसरे को फंसा रहे हैं। मैं तुम्हें फंसा रहा हूं, तुम किसी और को, और ये किसी पैसे वाले को फंसाना चाहती है। चित्रा, तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सच है तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और सच हो सकता है। जिसकी फिल्म चलती है वही सुपरस्टार कहलाता है। मुझसे बहुत उम्मीद लगाकर बैठी थी तुम्हारी फ्लूटिस्ट, इसलिए तुमसे ज्यादा ये हर्ट हो गई। अब इसे उठाता हूं, कितनी प्यारी प्यारी बातें करेगी सुन लेना। हम मासूमों के साथ इतना बड़ा धोखा किया तुमने? भोली भाली लड़कियों को खिलौना समझ रखा है क्या? छी, इससे और क्या बात करियो यार, चलो चलते हैं यहाँ से। चीटो, he spoiled my dreams. मुझे ऐसे नफरत से देखना बंद करो। मुझ जैसे गुंडे को कैसे सुधारा जाए, कैसे प्यार किया जाए, और सबसे ज्यादा लोगों की भलाई के बारे में सोचना शुरू करो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, एहसास दिलाया कि हम सब सेल्फ सेंटर्ड हैं। चित्रा, why are you still listening to this nonsense? Come on, let's get out of here. इसके साथ जो भी आएगा ये उसे उल्लू बनाएगा। Dangerous fellow, very बैंक के एक भी रुपए को हाथ नहीं लगाओगे। लॉकर्स तोड़ दो। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स निकाल लो। कोई भी कागजात मत छोड़ना। कंप्यूटर्स के टुकड़े टुकड़े कर दो। सारे के सारे रिकॉर्ड्स को जला दो और कागजात बस्ती वालों में बांट दो।
पल में ताज देती है, एक पल में राज लेती है। मुंबई मुंबई डर जाओ तो डराती है, ठोकर पे सर झुकाती है। मुंबई मुंबई जिसमें दम है वही बने यहाँ पे अमीर भी, यहाँ जिगर वालों को मिलती है जागीर भी। जो डर गया मर गया उसका हो गया खेल खत्म। ये शहर है दिल वालों का, मस्त मौला मत वालों का, जान पे खेलने वालों का। मुंबई इससे जो आंख लड़ाए भाई वही यहाँ पे टिक पाए भाई, जीता है जो टपकाए भाई। मुंबई मुंबई सर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है, मैं एक बिल्डर हूँ। सर यहाँ वर्सोवा में मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस सिलसिले में आपसे बात करनी है। सर आप टीवी पे हमेशा कहते हैं कि मुंबई में माफिया नहीं है, लेकिन मुझे हर रोज एक्सटॉर्शन कॉल्स आते हैं, फोन पर धमकियां मिलती हैं किसी भाई के नाम से। नो, मुंबई में अब कोई भाई नहीं है। जरूर है सर। कौन? सूर्या भाई। ऑफिस में आके उसने मुझे धमकी दी है सर, उसका बहुत बड़ा गैंग है सर, आप प्लीज मेरे लिए कुछ कीजिए सर। मंदिर आई हो? अच्छा तुम मंदिर भी आती हो? क्यों नहीं आना चाहिए? तुम अच्छी लड़की हो समझकर प्यार किया था, ऐसी हो पता नहीं था। तुम्हारे बारे में जो इंप्रेशन था सब खत्म। क्यों? क्यों पूछ रही हो? भगवान को प्रणाम करना तो एक बिजनेस डील है। बिजनेस डील? हाँ, भगवान हमें दौलत सक्सेस सेहत सब दे देंगे तो कोई इनके पास आएगा? नहीं आएगा। हो गया ना, काम निकालने के लिए दान पेटी में पैसे डालते हैं सब लोग मंदिर में आकर, हे भगवान मेरा अच्छा करना, मेरा अच्छा करना, मेरा ही अच्छा करना कहते हैं। लेकिन हे भगवान आप अच्छे तो है ना, आपकी सेहत तो अच्छी है ना, ऐसा कोई पूछता है क्या? नहीं। स्वार्थ, इंसान अंदर से सेल्फिश हो चुका है, और इन सारे लोगों के साथ तुम भी गई काम से, इसीलिए ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारे प्यार की। अपना काम खुद देख लो। बाय। ए, सुनो तो। ए, हेलो, रुको। नहीं, जब मन चाहा अगर मुझे डिस्टर्ब करके कुछ भी बोले बिना अचानक चले जाओगे तो कैसे चलेगा? पिछले कुछ दिनों में मैं कितनी परेशान हुई हूँ तुम क्या जानो, कितना सोचना पड़ता है, कितनी पहेलियां बुझानी पड़ती है। जब से मिले हो तब से लेकर आज तक तुमने जो भी बातें की हैं, हर बात याद करके उन्हें एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरह लिखकर उन्हें समझने की कोशिश की है, और मेरे हाँ कहने से पहले ही इस तरह जाओगे तो कैसे चलेगा? तुम्हारे बारे में पॉजिटिवली सोचकर तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुंह मोड़कर जा रहे हो। फिर भी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम्हारे कैरेक्टर पे मुझे शक है। ये बात मुझे कहनी चाहिए, तुम्हें नहीं। हे भगवान, इसकी अकल कुछ ज्यादा ही काम करने लगी है, इसे थोड़ा काबू में लाइए स्वामी, ये पागल भी हो जाएगा तो चलेगा, मैं किसी तरह संभाल लूंगी। प्लीज इतनी सी मदद कर दीजिए भगवान, और साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना भगवान। सुना है यहाँ कोई सूर्या भाई आया हुआ है? कौन है वो? नहीं जानता साहब। लोग कहते हैं वो इसी एरिया में रहता है, और तू नहीं जानता? नहीं पता साहब। मैं देखता हूँ, तुम लोग निकलो। भाई वो लोग? वो लोग पुलिस है, मैं निपट लूंगा, तुम जाओ। चलो सब लोग चलो।
यहाँ सूर्या भाई कौन है तू जानता है क्या? नहीं जानता। तू कहाँ रहता है? यहीं। यहीं रहता और उसे नहीं जानता? ऐसा कोई रूल है क्या? तेरा नाम क्या है? सूर्या। तो फिर क्यों कहा कि तू सूर्या को नहीं जानता? तुमने पूछा था सूर्या भाई को, मुझे नहीं। काम क्या करता है तू? कुछ नहीं। चल स्टेशन चल। कौन सा स्टेशन? पुलिस स्टेशन। लेकिन तुम लोग पुलिस नहीं लगते हो। अच्छा, चार लाठी पड़ेगी तो अपने आप लगने लगेगा। लेकिन लाठी है तो नहीं ना, कम से कम लाठी होती तो मान लेता। एक काम करो, स्टेशन जाकर लाठी लेकर आओ, वरना यूनिफॉर्म पहन कर आना। इस तरह बोलोगे तो नहीं चलूंगा। पुलिस मारेगी तो चलेगा, पर तुम मारोगे तो नहीं छोड़ूंगा। पुलिस की रिस्पेक्ट करता हूं मैं, पुलिस की एक्टिंग करने वालों की नहीं। हम भी पुलिस वाले हैं। मैं नहीं मानता। ये घुसा बिल्कुल पुलिस का नहीं लगता, उसकी तो बात ही अलग है, नकली। दादागिरी क्यों बे? माफिया है तू? तेरी तो फिर से फसाद शुरू कर दिया तुम लोग ने। मुंबई को शांति से रहने नहीं दोगे ना? पब्लिक को चैन से जीने नहीं दोगे? पुलिस जीप आने के बाद भी नहीं रुक रहे सर, इतना ही नहीं हमें गुंडे कह रहा था। सूर्या भाई, सुना है एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया है तुमने? सर मैंने आपका टीवी पर इंटरव्यू देखा, मुझे लगा मुंबई सुधर गई है, इसलिए यहाँ मेहनत मजदूरी करने आ गया। मुझे यहाँ आकर एक महीना भी नहीं हुआ, चाहे तो मेरे रूममेट से पूछिए। हाँ सर। जब पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई तो पब्लिक उन्हें रोक क्यों रही थी? वो उनकी अच्छाई है सर। यानी तुम कुछ नहीं जानते? नहीं जानता सर। और ना ही किसी को धमकी दी? नहीं सर। अरे उस शैलेंद्र सिंह को बुलाओ। ये वही है ना जो आपके ऑफिस में आया था? मैं हूँ जी, इन लोगों ने मेरी गर्दन पे चाकू रखा हुआ है, मुझे बहुत डर लग रहा है जी, आप पुलिस से कुछ मत बोलिएगा। ये वो आदमी नहीं सर। थैंक यू सो मच भाई साहब, तो मैं चलूं सर? शहर में नए आकर पुलिस पे हाथ उठाया मतलब रफ्तार कुछ तेज है, थोड़ी कम करो। जरूर करूंगा सर। दो नंबर का धंधा छोड़ो और कोई शराफत का काम ढूंढो। करता हूं सर। तो मैं चलूं? भरत। सर। इस पर कड़ी निगरानी रखो। इसमें उतना दम नहीं है सर, वैसे भी ये कोई भाई नहीं दिखता, मिल बॉय लगता है। दाऊद इब्राहिम दिखने में डॉन लगता है क्या? गॉगल्स वगैरह लगाकर फिल्म स्टार लगता है। डू व्हाट आई से सर। क्या कहा? वो अच्छा लड़का है, मेरी गैर हाजिरी में उसने तुम पर कुछ जादू चलाया है। यूजलेस फेलो, पैसा नहीं है उसके पास, स्लम डॉग है वो, एक क्रेडिट कार्ड तक अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कैसे रहोगे उसके साथ? उसी का फोन है, अभी सबक सिखाती हूँ। अरे चित्रा यहाँ नहीं है, होगी भी तो भी फोन नहीं दूंगी। घर में कार पार्क करने के लिए जगह है क्या? है या नहीं बताओ, मैं चित्रा को एक कार गिफ्ट में देने वाला हूँ। कार? कौन सी कार? ए, पार्किंग स्पेस है या नहीं? कहीं भी पार्क कर देंगे यार, पहले कार तो लेकर आओ। क्या हुआ? Do you know what? Your slum dog became millionaire. What? वो तुम्हारे लिए कार लेकर आ रहा है चित्रा। Are you serious? हाँ?
Surya, this is amazing. It's so beautiful. Suddenly, इतना पैसा कहाँ से आया? सुना है ना, हर कुत्ते का दिन बदलता है. आज मेरा बदल गया. Oh my God, Surya, I really can't believe this. इतनी costly कार में घूमूंगी कभी life में नहीं सोचा था. Thank you so much. I love you. 2 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट में दी जाए तो किसी से भी आई लव यू बोल दोगी? गेट लॉस्ट, आई डोंट वांट योर स्टूपिड कार. इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इसने गलत क्या कहा? इतनी महंगी कार पे तो कोई भी आई लव यू बोलेगी. अगर मुझे किसी ने 2-व्हीलर भी दिया होता तो मैंने आई लव यू कह दिया होता. बंद कर. मैं सच में अपने मन की बात बोलना चाहती थी, इस कार की वजह से नहीं. लेकिन तुमने ये पहले क्यों नहीं बोला? कार देने के बाद बोलोगी तो मैं क्या समझूंगा? मैं दुनिया की बाकी लड़कियों से अलग हूँ, मुझे उन सबके साथ मत तोलो. ठीक है, सॉरी. सॉरी बोल रहा हूँ ना, सॉरी. सॉरी सूर्य, फिर से कह रही हूँ, आई लव यू, पर जिंदगी में कभी इस कार में नहीं बैठूंगी. अगर बैठी तो मेरा नाम बदल देना. मतलब तुम्हें कार नहीं चाहिए? नहीं. तो मुझे भी नहीं चाहिए. छोड़ दो. छोड़ दो? मैं तुमसे भी ज्यादा जिद्दी हूँ. आई डोंट केयर. लवली कार, सो ब्यूटीफुल. देख लेना, ये कार में बैठकर कार लूट लेगी. Just shut up and go to hell. तुम दोनों ऐसी तरह लड़ते रहो. कार तो मैं चलाऊंगी. सूर्या, तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन इस बार मुंबई का मेयर मुझे बनना है. तो बन जाओ. कैसे बनेंगे ये? इतना आसान है क्या? सामने खड़ा है अरुण गोखले, केंद्रीय मंत्री जय पवार का सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी है, अभी तक लगातार 2 बार जीत चुका है, हैट्रिक करने वाला है वो. खड़ा होगा तो हैट्रिक करेगा ना, अगर खड़ा ही ना हुआ तो. नसीर, उसे प्यार से समझा दो. आने वाले मेयर के इलेक्शन में तू नहीं लड़ेगा, भाई का ऑर्डर है. भाई कौन? सूर्य भाई. वो कौन है? मैंने अब तक उसका नाम नहीं सुना है. जल्दी सुनेगा. जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? हाँ, इस शहर का मेयर हूँ मैं. लेकिन पिस्तौल की गोली मेयर को नहीं पहचानेगी. तुम अपने सूर्या भाई से बोलो, अगला मेयर भी मैं ही बनूंगा. नहीं मान रहा, टपका दूं? टपकाना मत, लेकिन हम उसे टपका भी सकते हैं, इसका एहसास दिला दो. नमस्ते साहब. ये सब क्या हो रहा है? अरे कोई है यहाँ? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी. सूर्या भाई कौन है पूछा था ना उसने? अब देखना, मेरा नाम दिल्ली में भी गूंजेगा. सुबह भी फोन करके धमकाया उसने. उसका नाम क्या है? सूर्या भाई. हम इतने ताकतवर हैं, जानकर भी उसने धमकी दी. मतलब उसके पास गट्स है और दिमाग भी. ए, रो क्यों रहे हो? आज मंगलवार है इसलिए मैं बच गया सर. सिद्धि विनायक मंदिर जाकर आया हूँ. कल फिर वह. डोंट बी फूलिश. तुम शहर के मेयर हो. तो क्या हुआ सर? आप उसके बारे में नहीं जानते हो. हाँ, मैं नहीं जानता तो आप क्या करें? मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं रहूंगा. अगर तुम नहीं खड़े होगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा. ऐसा ना कहिए सर, उसके रहते में मुकाबला नहीं कर सकता. उसके मरने के बाद तो करोगे? पहले उसे ठिकाने लगाइए. ये टेंशन में सह नहीं पा रहा हूँ. 2 दिन में उसे खत्म कर देंगे. आज ही मैं दिल्ली से आदमी भेज रहा हूँ, उनकी मदद करना, ठीक है? सर. या? आपने जो कहा सही निकला. हमने उसे फॉलो किया था. वो सूर्या नहीं बल्कि सूर्या भाई है. ही इज रनिंग अ गैंग, ही इज वेरी डेंजरस, और वो इतना चालाक है कि उसने आपकी बेटी को फंसा लिया है. व्हाट? यस सर, शी इज इन लव विद हिम. वो रहता कहाँ है? सलाम साहब. नमस्ते. नमस्ते.
नमस्ते सर। What the hell is happening here? आप ही ने कहा था ना कोई शराफत का काम कर लूं। ऑफिस ओपन किया है सर, सूर्य एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। कौन है, कौन है ये सब? मेरा स्टाफ है सर। स्टाफ? ये सब के सब हमारे एनकाउंटर में बचे हुए गुंडे हैं। इन चोर चक्कों के साथ यहां पर क्या कर रहे हो तुम? आई टेक। मुंबई के बड़े बड़े लोगों के नाम, उनके फोन नंबर्स और एड्रेसेस हैं। असल में हो क्या रहा है यहां पर? बिजनेस है सर, ये सब हमारे कस्टमर्स। शट अप, ड्रामा मत करो, सीधे मुद्दे पर आओ। अगर आप सह सकते हैं तो मैं मुद्दे पर आता हूं सर। నీ దయ వల్ల ముంబైలో మాఫియా అనేది లేకుండా పోయింది సార్. గ్యాంగ్స్టర్స్ అందరు చెదిరిపోయారు. ముంబైలో బాగా అనేవాడిని లేకుండా చేసి పారేశారు సార్. ఇండియా దిక్కులేంది అయిపోయింది. ఎన్ని సెటిల్మెంట్స్ ఆగిపోయాయి తెలుసా సార్ మీకు? ఎన్ని ప్రాపర్టీస్ పెండింగ్ లో పడిపోయాయి తెలుసా సార్ మీకు? హజారో కరోడ్ కే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఠప్ హో గయే హై సార్. పోలీస్ ఆర్ కోర్ట్ జిన్ మసలో కో సెటిల్ నహీ కర్ పాతా ఉన్హే మాఫియా పల్ భర్ మే కర్ దేతా హై. ఐసే మాఫియా కో ఆప్నే ఖత్మ్ కర్ దియా. क्या बिगाड़ा है सर माफिया ने? हम क्या पब्लिक को मारते हैं, सड़क पर चलने वाली लड़कियों का रेप करते हैं? नहीं ना। इंडिया में आप जिन अमीरों के सामने लाचार होते हैं हम उनसे खेलते हैं। क्या सर, क्या प्रॉब्लम है आपकी? भूख लगी है कहने पर कोई खाना नहीं देता सर, वही हजार रुपए के मोबाइल में 20 रुपए का सिम डालकर एक धमकी देने पर सामने वाले की बच जाती है सर, और वो करोड़ों रुपए निकाल के देते हैं। मैं इसी मकसद से आया हूं, इस पूरे मुंबई पर हुकूमत करने के लिए आया हूं। आई बिलीव इन वॉर, नॉट इन मोरालिटी। सर जंग से डरने वाला ही धर्म की बातें करता है। सर एक कुत्ते को बाहर छोड़िए, वो जिस घर में भी घुसेगा वो मेरा घर है, जहां जाएगा वो मेरा राज है, ऐसा कहना नाजायज नहीं होगा? वही एक घोड़े को छोड़कर वो जितनी दूर तक जाएगा सब मेरा राज्य है, अगर किसी ने रोका तो उसे काट दूंगा। यही कॉन्सेप्ट अश्वमेध यज्ञ है सर, इसके बारे में हम सब अच्छी तरह जानते हैं। अब मैं वही कर रहा हूं सर, इस मुंबई में एक बार फिर माफिया जाग उठेगा और आप हर रोज इसका कमाल भी देखेंगे सर। हाथ में खंजर नहीं है वरना तेरा सर काटता तो उधर जाके गिरता। आप काट नहीं सकते सर, आप कानून की बंदिशों में बंद हैं। आपकी आंखों के सामने आपकी बेटी का चेहरा होगा, बेचारी मुझसे बहुत प्यार करती है सर। मुंबई में आप अकेले मेरी रुकावट हैं ये जानकर ही उसे पटाया है सर। मुझे कुछ मत कीजिए सर, आपकी लाडली बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बेचारी मर जाएगी। आइए सर। मुझे अंदर करने के लिए आपके पास एविडेंस नहीं है सर, अगर अंदर करने की कोशिश की तो दिल्ली से फोन आएंगे। मेरे पीछे कौन कौन है आप नहीं जानते, उन सबको मेरी जरूरत है सर, बस आप ही मुझसे नाराज हैं। हेलो, हाँ चित्रा, हाँ एक मिनट, एक मिनट प्लीज सर, मेरे एनकाउंटर का प्लान मत बनाइए, मेहरबानी करके छोड़ दीजिए ना सर। थैंक यू सर। चित्रा, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया? ऐसा कुछ है ही नहीं बताने के लिए, माँ नहीं है, बस मैं और डैडी। तुम अपने डैडी के साथ क्यों नहीं रहती? डैडी टाउन साइड रहते हैं, मेरा कॉलेज यहाँ है जुहू में, यहाँ से नजदीक पड़ता है इसलिए फ्रेंड के साथ रहती हूँ। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? ही इज अ कमिश्नर। कमिश्नर? कौन से कमिश्नर? सिटी पुलिस कमिश्नर। पुलिस? चित्रा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
पर हुआ क्या? क्या हुआ पूछ रही हो चित्रा? वो पुलिस वाले हैं, ये प्यार व्यार नहीं समझेंगे। मुझ पर झूठा केस लगाकर मुझे अंदर कर दिया तो मेरा क्या होगा? पर कौन ऐसा करेगा? तुम्हारे डैड चित्रा, तुम्हारे डैड। डैडी ऐसा करेंगे तो मैं चुप रहूंगी? तुम आखिर क्या कर सकती हो चित्रा? पुलिस स्टेशन जाकर लॉकअप खोलूंगी और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ले चलूंगी। ले जाकर क्या करोगी? I have my plans. गुदगुदी होती है तुम्हें? नहीं नहीं तो ना सोने जब से तेरा हो गया कहीं न लगता रे रफ्ता रफ्ता दिल गया दिल गया रफ्ता रफ्ता रे जब से तेरा हो गया कहीं न लगता रे हाँ जब से तुम्हारी मौसम बदला दिल मेरा हो जाए पगला हाँ रफ्ता रफ्ता रे हाँ रफ्ता रफ्ता रे जब से तुम्हारी मौसम बदला दिल मेरा भी तो अब मचलेगा तेरे पीछे पीछे अब भागेगा तेरे साथ रहेगा एक पल भी ना तुमसे जुदा होगा रफ्तार रफ्तार दिल गया रफ्तार रफ्तार जब से तेरा हो गया कहीं ना लगता रे रफ्तार रफ्तार दिल गया रफ्तार रफ्तार जब से तेरा हो गया कहीं न लगता रे माती रे माँ दिल दीवाना हौले हौले जाने तुझसे ये क्या बोले हाँ प्यार की गप्पी दे 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 मीठी सी गप्पी ले ले ले, ले। This movie in COVID Polestar by भाई तुमको टपकाने के लिए दिल्ली से आदमी आए ले हैं जयदेव पवार ने उन्हें भेजा है भाई मुझे कब मारने का प्लान है कल शाम को 4 बजे का टाइम फिक्स किया है उससे पहले हम उन्हें मार दे तो कैसा रहेगा सब हम दिल्ली से आए हैं उसका फोटो और डिटेल भेज दो काम निपटा देंगे मैं अपने लड़कों को भेजता हूँ वो सब कुछ तुम्हें समझा देंगे तब तक तुम लोग भी फ्रेश हो जाओ ठीक है
अल्फा वन स्पीकिंग, टारगेट पहुंच गया है। अभी अभी तो फोन किया था, इतनी जल्दी आ गए? मैं थोड़ा फास्ट हूं। सर ने ये पैसे तुम्हें देने के लिए कहा है। ये बियर और बिरयानी जरा अंदर रख दे। वैसे तुम कितने लोग हो? हम 10 लोग हैं। और भी 5 लोग लाने चाहिए थे। ए, हम कितने भी हो तुझे क्या? फोटो इधर दे। किसकी फोटो? ओ सूर्या की फोटो, उसे पहचानना है ना। फोटो आ रही है, प्रिंटिंग के लिए दी है, 30-40 साइज में। इतनी बड़ी किस लिए? ठीक से पहचानने के लिए। तब तक बियर पी के बिरयानी खा लेना, ठीक है? ए, तेरा नाम तो बता। मेरा भी नाम सूर्या ही है। सॉरी बॉस, बिरयानी ठीक से फटी नहीं। फटती तो तू सिंगल पीस में नहीं रहता। कैसे? यहां क्या कर रही हो तुम? चलो चलते। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और हाथ में ये गन क्यों है? आखिर तुम इस वक्त यहां क्यों आई हो? तुम्हारी वजह से आई। तुम्हारी असलियत अपनी आंखों से देखने आई। डैडी ने तुम्हारे बारे में जो भी बताया मैंने विश्वास नहीं किया। मेरे साथ प्यार का झूठा नाटक किया ना तुमने, वो सब धोखा था ना। Hey, hey, hey! Drop the gun, Surya. Surya, I'll kill you. Drop the bloody gun. हाँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। वाकई तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था मैं। तुम्हारे डैडी ने तुमसे जो भी कहा सच कहा था। लेकिन मेरा प्यार छोटा नहीं है। तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ मैं। इस बात का मुझे अभी एहसास हुआ। मेरी तरफ बेरुखी से मत देखो, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मत देखो, ये पूरी दुनिया मुझ पर यकीन ना करे ना सही। तुम यकीन करो, काफी है। पूरी दुनिया यकीन करे फिर भी मैं तुम पर यकीन नहीं करूंगी। अभी भी यहां से निकलने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल कर लेना। Get him. Hey, मेरी तरफ देखो। आई लव यू। तुमसे कह रहा हूं, मेरी आंखों में देखो। आई लव यू। तुम क्या करोगे? मैं नहीं जानता, सूर्या को बाहर लाना होगा। मुश्किल है साहब, कमिश्नर साहब बहुत सख्त आदमी है। तुम्हारा कमिश्नर किसके कहने पर मान जाएगा? चाहे कोई भी हो, वो किसी की बात नहीं मानते। कमबख्त। इस पर चार्जशीट फाइल करो, जितने चाहे उतने केसेस लगाओ।
ये बाहर नहीं आना चाहिए। हेलो। बोलो बेटी। सॉरी डैडी, अनजाने में मैं उसे प्यार कर बैठी, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई ना मैंने, मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसा है। इट्स ओके बेटी, परेशान मत हो, जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोफरों का मिलना आम बात है, ये हमारे बस में नहीं है। डैडी! चित्रा, 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 व्हाट्स हैपनिंग? चित्रा, चित्रा, व्हाट्स हैपनिंग देयर? हे, कौन है वहाँ? चित्रा को मेरे आदमियों ने उठाया है। तब तक आपने बिठाकर जो चार्जशीट फाइल किए हैं वो फाड़ दीजिए। एक छोटा सा केस फाइल कीजिए, ऐसा केस जिसमें एक दिन में जमानत हो जाए। जमानत कल मिल जाएगी तो चित्रा परसों घर आएगी। अगर ऐसा नहीं है, चित्रा आज ही घर चाहिए, तो कोई छोटा मोटा ट्रैफिक केस फाइल कीजिए, कोई सिग्नल तोड़ने का या ओवर स्पीडिंग वगैरह। तू मेरी बेटी को कंडेम करेगा? मुंबई को अच्छा बनाने का सपना देखा था मैंने, तू यहाँ आकर सर मेरे सपने को बर्बाद कर रहा है। सर, यहाँ इस मुंबई में हर किसी का अपना एक सपना होता है। सर, आपका सपना मुझे पसंद नहीं और मेरा सपना आपको पसंद नहीं, इसलिए यहाँ दुनिया के लिए जो भी सपना देखता है वो सपना ही बनकर रह जाता है। सर, आप अपने लिए सपना देखिए, अपनी बेटी के लिए सपना देखिए। बेचारी वहां रो रही होगी सर, उसका रोना ना आप सह पाएंगे और ना मैं। इमोशनली ब्लैकमेल करता है मुझे। सर, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए सर, इस तरह बात मत बिगाड़िए प्लीज। ये सही कह रहा है सर, बात बिगाड़िए मत। डैडी बहुत अच्छे हैं, मुझे छोड़ दिया। आखिर तुम इंसान ही हो ना, इंसानियत नहीं है क्या तुम में? दया, करुणा, हमदर्दी, ऐसा कुछ भी नहीं है क्या तुम में? हम सब टीवी पर डिस्कवरी चैनल देखते हैं जिसमें एक शेर हिरन का पीछा करता है। वो देखकर दुनिया का हर इंसान भगवान से प्रार्थना करता है कि वो हिरन किसी ना किसी तरह बच जाए। हिरन के बचते ही खुशी से तालियां बजाने लगते हैं, टीवी बंद कर देते हैं और मुर्गी को काट कर बिरयानी खाते हैं। असल में उस हिरन या उस मुर्गी पर उन्हें दया नहीं आती, उस शेर से वो नफरत करते हैं। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते ना, इसलिए दया वया के भाषण छाड़ते हैं। आखिर इंसान है, इंसानियत की बातें तो करेंगे ही। चल घर चलते हैं, तुम्हारे डैड इंतजार कर रहे होंगे। एंड ऑफ द शो में एक ही बात कहना चाहता हूं, आई लव यू। जाएगा बेतू? आप कहां जाएगा? कहां जाएगा? सारा इशारा कीजिए, साले को यहीं ठोक देता हूं। अगर आप भी कानून तोड़ेंगे तो आप में और मुझ में फर्क क्या रहेगा सर? आखिर तुम लोग इंसान ही हो ना, इंसानियत नहीं है क्या? दया, करुणा, हमदर्दी, ऐसा कुछ भी नहीं है? अबे तुझ पर कैसी हमदर्दी? सर आप हां कहिए, इसको अभी खत्म कर देता हूं। यहां पर भरत कौन है? मैं हूं। तुम्हारी मां मंदिर गई है ना, अभी तक वो घर नहीं पहुंची, हमारे ही पास है, मेरे पहुंचने के बाद ही वो लौटेंगे। ए कमीने! प्लीज 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 मुझे इरिटेट मत करो, हम सबके परिवार हैं, सेंटिमेंट्स हैं, सब पढ़े लिखे हैं, कूल रहिए। मैं डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं सर, मेहरबानी करके मुझसे नफरत मत कीजिए। हैप्पी यू सर,
इन सारे पुलिस वालों के सामने मैं एक सच बताता हूँ, मैंने आपकी बेटी से सच्चा प्यार किया है, वो मेरी जान बन चुकी है सर, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या आप उसकी शादी मुझसे करवाएंगे? मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। तो आप अपने सपने के लिए कुछ नहीं करेंगे? चित्रा, तुम मुझे चाहती हो या नहीं? आई हेट यू। फिर से कहो। आई हेट यू। तो ठीक है, मैं अपना काम कर सकता हूं। आप कुछ भी समझे, मुझे एतराज नहीं। मेरी बात गौर से सुनिए, माफिया को मैं लीगलाइज करूंगा, आप और आपका सिस्टम टच ना कर सके उस ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा, तब आकर चित्रा को ले जाऊंगा, उसकी मर्जी से या मर्जी के खिलाफ। Chao, Villa,
उसका हम कुछ नहीं कर पाए, पुलिस भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है, वो तो बाहर ही है। ऐसे में मैं इलेक्शन में खड़ा रहूं या नहीं? तुम ही खड़े होगे। जितना रुपया चाहिए ले जाओ, एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए, पूरी मुंबई खरीद लो, पर इस बार भी मेयर तुम ही बनोगे, समझ गए ना? उनका ये आलम है और अपने पास पैसे ही नहीं है, अब क्या होगा? दो दिन बाद इलेक्शन है, हम क्या करेंगे? उनका पैसा कहां से आता है? और कहां, दिल्ली से? कब आएगा? कल सुबह आएगा। किसके पास आएगा? मेयर के भरोसेमंद 10 आदमी हैं, रुपए उनके पास आते हैं, वो लोग बांट देते हैं। इससे पहले कि वो पैसा बांटे, उन पर रेड पड़ेगी, इनकम टैक्स। शहर में कुछ चोरों ने सत्ता पक्ष के प्रमुख के घर झूठी इनकम टैक्स की रेड मारी। वो अपने आप को आयकर विभाग का अधिकारी बता रहे थे और घर में मौजूद तमाम रुपए लेकर फरार हो गए। काला धन होने की वजह से पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट की रकम 100 करोड़ से 200 करोड़ के बीच हो सकती है। और इसके साथ That's him. मैं यकीन से कह सकता हूँ ये उसका ही काम है। ऐसे क्रिमिनल आइडियाज मुंबई में उसके सिवाय कोई नहीं सोच सकता। हमारी किस्मत खराब कि ये धारावी का बहुत बड़ा हीरो है। इसके सपोर्ट से अगर लालू मेयर बन गया तो गॉन, इसे हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जरा इसका रोक तो देखो। अरे रेड के वक्त फोन क्यों नहीं किया? आखिर कैसे करते साहब, उन्होंने सारे फोन जब्त कर लिए और दरवाजे भी बंद कर दिए। आपके पैसे के साथ साथ हमारे भी पैसे ले गए। फूल्स, रेड करने वाले असली थे कि नकली पहचान नहीं पाए? कैसे पहचानते सर, उनमें से एक ने गन निकालकर टेबल पर रखा। हमने सोचा कि इनकम टैक्स वालों को भी आजकल गन दिया होगा। खाक सोचा। सत्ता पर होते हुए भी अपने पैसों को नहीं बचा पाया, बाकी बची इज्जत भी चली गई। इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठ गया तो सूर्या भाई का नाम मुंबई में जोर जोर से गूंजने लगेगा। उसके बाद हमें मुंबई से हाथ धोना पड़ेगा, उसे रोकना होगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यार। जब उसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की तब तुमने उसे प्यार किया, अब वो सच में तुम्हें प्यार कर रहा है तो तुम मना कर रही हो? वो भी कोई प्यार है? उसका प्यार सच्चा है ये मेरी समझ में आ रहा है, पर तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? ऐसे समझाओ इसे, तुम्हारे जितनी अकल इसमें होती तो मैं क्यों ऐसा होता? इंसानों की जान लेने वाले से कौन प्यार करेगा? किसी की जान की कीमत ऐसे लोग क्या जाने? इंसान और उसकी जान, इनकी कीमत तो मैं नहीं जानता। क्या खा रही हो? फिश, टूना फिश। इस धरती पर 600 करोड़ लोग रहते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग हर दिन समंदर की मछलियों को पकड़कर खा जाते हैं। कोई उबाल कर, कोई तल कर, कोई सुखा कर, करी बनाकर, फ्राई करके, और तुम टूना फिश खा रही हो। कई करोड़ सालों से करोड़ों मछलियों को तुम लोग गपागप निगल गए, ये बात गलत नहीं है, लेकिन कभी एक मछली ने एक इंसान को खा लिया तो तुम लोग हंगामा मचा देते हो। कभी किसी छोटी सी शाक ने किसी बीच पर किसी को काट भी लिया तो सारी न्यूज चैनल्स पर उसे दिखा दोगे, उस पर जॉज 1, 2, 3 ये फिल्में भी बनाओगे। तुम्हारी जान कीमती है, उसकी जान नहीं। येड़ी कहेंगी, सारा दिन बकवास करती रहती है। मुझे मारने के लिए कितने लोग घूम रहे हैं, कुछ पता भी है तुम्हें? Yo!
अगले जन्म में मैं इंसान नहीं बनना चाहता। इंसान सिर्फ मारता और मरता है। यही मेरा आखिरी जन्म है। फिर नहीं मिलूंगा मैं। मेरा साथ दो। कैसे दूं? ऐसे रोज एक एक को मारते रहोगे तो कैसे साथ दूं? क्यों करते हो ये सब? कभी कभी टेररिस्ट ग्रुप बॉम्ब फोड़ते हैं आइडेंटिटी बताने के लिए। कभी कभी गणपति जी दूध पिया करते हैं ये साबित करने की वो इस दुनिया में है। अगर वही गणपति जी रोज रोज दूध पीने लगे तो कोई दूध नहीं पिलाएगा। इस जनता को डराना है तो कभी कभी टेररिस्ट बनना पड़ेगा या फिर भगवान। बन जाओ, बेशक बन जाओ, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान का साथ नहीं दे सकती। मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम चली गई तो मैं और खतरनाक बन जाऊंगा। बन जाओ, जो बनना है बन जाओ। तुम और तुम्हारे डैड मिलकर मुझे हैवान बना दोगे। ये बिजनेस एक्सपैंड करना है। सूर्या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का कारोबार मुंबई में है। इसके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया होने चाहिए। हर सिटी में, हर टाउन में, हर सेंटर में सूर्या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का ऑफिस चाहिए। हर ब्रांच में 50 लोगों का स्टाफ चाहिए मुझे। अपना स्टाफ कौन होगा जानते हो? वहां के लोकल गुंडे मवाली। ये सारे गुंडे लोकल पॉलिटिशियंस के इर्द गिर्द मिल जाएंगे। कोई भी इन्हें महीने की तनख्वाह नहीं देता, लेकिन हम इन्हें हर महीने फिक्स सैलरी देंगे। 50 लोग क्यों? जस्ट इमेजिन, जब 50 लोग चलकर आएंगे तो कैसा लगेगा? इमेजिन 50 लोग अगर गन लेकर किसी को भगाएं तो वो नजारा कैसा लगेगा? पूरे शहर को कंट्रोल में करना है तो 50 लोग तो चाहिए ही। सारे छोटे छोटे लफड़ों से लेकर देश के बड़े से बड़े घोटाले तक सबकी सेटलमेंट सिर्फ अपनी ऑफिस में होनी चाहिए। सबको तनख्वाह देने के लिए पैसे कहां से लाओगे? वो सब वो खुद ही कमा लेंगे। किसी भी शहर में बिजनेस करने वाला हर इंसान, सेटलमेंट चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसके मार्जिन से 2% सूर्या एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स को पे करेगा। लाख रुपए कमाने वाले के लिए 2000 रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उन्हें हमारा सपोर्ट मिलेगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए हम देख लेंगे। सब लोग अपुन की बात मानेंगे? उनके ना मानने के लिए ये कोई बिजनेस प्रपोजल नहीं है, इट्स एन ऑर्डर। जिसका बिजनेस होता है उसका ऑफिस होता है, उसके ऑफिस में एक टेबल होता है, उसकी टेबल पर अपनी गन रख दो। इंडिया के हर ऑफिस के टेबल पर अपनी गन होनी चाहिए। Guns don't need agreements. मानना ही पड़ेगा। चाहे किसी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, कोई भी फंड रिलीज हो, लेकिन हमें 2% मिलना ही चाहिए। सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की तरह इस सूर्या टैक्स की भी लोगों को आदत पड़नी चाहिए। I want all the gangsters and rowdies under one roof. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए उसे हमारे पास ही आना चाहिए। उसकी तमाम मुश्किलें हम हल करेंगे। पब्लिक के साथ प्यार से पेश आओ। इंडिया में सभी 2 नंबर का धंधा करने वाले लोगों के मन में एक ही डर रहना चाहिए। उस डर का नाम है सूर्या भाई। सूर्या भाई, सूर्या भाई का मतलब मैं नहीं, इट्स अ ब्रांड। चल
जबानी है सर पे रख के कमानी है पैसा क्या अर्थात क्या सब हाथों में है सूर्य भाई मामूली इंसान नहीं है, देखा जाए तो क्रिमिनल भी नहीं है, बट क्रिमिनल माइंडेड है। वो जुर्म को बड़ी खूबी से ऑर्गेनाइज कर रहा है। दुनिया पर हुकूमत करने के ख्याल से एक ऐसी शख्सियत निकलती है। असल में ये है कौन, कहां से आया है और क्यों कर रहा है ये सब? I bloody want him. This movie encoded co-star by. हेलो, कहाँ हो तुम? तुमसे मतलब, मैं टैक्सी के लिए वेट कर रही हूँ। मैंने दी हुई कार नहीं यूज कर रही। वो आयशा के पास है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए बताता हूँ, ध्यान से सुनो। हा? तुमसे फौरन मिलना चाहता हूँ, तुमसे लड़ना चाहता हूँ, इसी वक्त मेरे पास चली आओ, मुझे थोड़ा डांटो मारो और फिर चली जाना। नहीं नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। तुम मेरी पहुँच नहीं जानती, मेरे एक इशारे पर वो टैक्सी वाला ही तुम्हें किडनैप कर लेगा। करवा लो टैक्सी। चलो चलो। कहाँ जाना है मैडम? जू सर्कल। जू? एक्सक्यूज मी।
50,000 करोड़ के काली धन के साथ मुंबई के पूर्व मेयर अरुण गोखले फरार। अरे अरुण कहाँ है, पहले उसे ढूंढो। अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो मैं और मेरे साथी अंदर हो जाएंगे। वो बड़ा डरपोक है, किससे क्या क्या देगा पता नहीं, पल भर में सरकार गिर जाएगी। उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दो। कौन है? Just finish them off. No, no, try to be strict with them. Hello, sir, this is Surya. क्या बात है सूर्या भाई, हमें फोन करने की तकलीफ? ऐसे मत पुकारिए सर, आपके सामने मैं क्या चीज हूं? Hey, shut up, नाटक मत करो। अब क्या है, हमारे डिपार्टमेंट से भी 2% लेना चाहते हो क्या? सर 50,000 करोड़ छोड़कर मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? इस स्कैम में फंसे सारे लोगों को छोड़ दीजिए, अरुण गोखले को आपके हवाले कर दूंगा। अरुण गोखले? उसे हम नहीं पकड़ पाए, तुमने कैसे पकड़ा? बिल में छुपे सांप को सपेरा ही पकड़ सकता है सर। उस सांप को वर्सोवा पुलिस स्टेशन के पास छोड़ रहा हूँ। पधारिए साहब, शर्माइए मत, आइए आइए। मॉर्निंग सर। अरुण गोखले पकड़ा गया है सर। 2 दिन में सबके नाम बाहर होंगे। हम सबका ऐसा मानना है सर कि लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका होगा। आपका क्या कहना है? अरुण गोखले को पकड़वाने वाला सूर्या था। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग सर, वो आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? वो कौन है मैं नहीं जानता, अब तक तो मैंने उसे देखा भी नहीं। आप जानते हैं सर, यू नो हिम, ही वॉज बॉर्न इन शिकागो। वो अमेरिकन सिटीजन है, याद नहीं आ रहा? नहीं तो 18 साल पहले आप एक पब्लिक मीटिंग में थे, तब एक 14 साल के लड़के ने आपको छुरा घोंपा था। आप भूल गए? जब उसने देखा कि आप मरे नहीं, उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, उसने आप पर गोली चलाई। ये सूर्या वही है। वो मामूली इंसान नहीं है यार, डोंट मिस हिम। उसके बारे में मैं जानती हूँ, किसी न किसी दिन वो पूरी मुंबई को तुम्हारे कदमों में रख देगा। उसे रिच किड समझकर तुम फिदा हुई थी, और रोड साइड किड समझकर मैंने उसे चाहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। नो, ही इज इन लव विद यू। जो रिलेशन उसे खराब मत करो, वो इतना बड़ा आदमी हो गया है कि वो चाहे तो तुम्हें छोड़ भी सकता था। चित्रा, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, ऐसे लोग दुनिया में मिलते नहीं है। तुम बहुत लकी हो चित्रा, बिलीव मी। Ladies and gentlemen, it's a great honor for me to be here today at the opening ceremony of our business bank. Let me first extend my warm welcome to all of you. Thank you so much for being here. अपने देश को आगे ले जाने के लिए, देश की तरक्की के लिए एक नौजवान ने बैंक खोला। मैं तो कहता हूं ऐसे नौजवानों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तभी तो हमारा देश तरक्की करेगा। मैं इसके बुलंद हौसलों को सलाम करता हूं। कभी बैंक रॉबरी करने वाला, अब बैंक खोल रहा है। उस समारोह का चीफ गेस्ट मैं। ये सब ब्लैक मनी छुपाने के लिए हो रहा है ना? बिल्कुल सर, इंडिया के स्विस बैंक जैसा ही है। व्हाइट के साथ साथ ब्लैक भी छिपा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं पैसा कहां छिपा है, इसीलिए मैंने ये बैंक खोला है। आज मुंबई पुलिस एसोसिएशन को 50 लाख का चंदा देने वाला है। इस बात का ऐलान करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। फैंटास्टिक।
पब्लिक का पैसा लूटकर पुलिस को चंदा दे रहे हैं। आपका यह मेरा पैसा नहीं सर, इंडिया में बहुत पैसा है, जितना उठा सकते हैं बस उठाना है सर। भलाई का जमाना नहीं रहा सर, कहते हैं अच्छे आदमी को भगवान जल्दी ऊपर उठाता है। इसे लूटना नहीं कहते, यहां जितने बैठे हैं सब चोर हैं। आप ईमानदार ऑफिसर हैं सर, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में आप ही के पीठ पीछे आपको गालियां दी जाती हैं। अपनी जो पब्लिक है ना सर, आप जैसे स्ट्रिक्ट ऑफिसर्स को पसंद नहीं करती, उन्हें घूस खाने वाले ही पसंद है। टू बी फ्रैंक सूर्या, तुम्हारी काली करतूत देखता हूं तो गुस्सा जरूर आता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान डिपार्टमेंट में क्यों नहीं है। तुम्हारे अंदर जो चिंगारी है वो किसी में नहीं देखी, बट यू आर ऑन रॉन्ग ट्रैक। नो सर, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। मैं नहीं जानता आपने गौर किया है नहीं, पिछले 3 महीनों में इंडिया में मर्डर्स कम हो गए, किडनैपिंग्स भी कम हो गई हैं, ओवरऑल क्राइम रेट नीचे आ गया है सर। यकीन नहीं होता तो रिकॉर्ड्स चेक कीजिए सर, भूख लगने पर ही कोई गुनाह करता है। सारे गुनहगारों को सैलरी देकर पाल रहा हूं सर, वैसे आपके डिपार्टमेंट में भी सैलरी बढ़ानी चाहिए, अभी जो देते हैं कम है। क्या आपकी सैलरी आपके लिए काफी है? देश की सेवा करने वाले पुलिस को उसकी सैलरी काफी नहीं है, जबकि देश को लूटने वाले मुझ जैसों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं। बस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए सर, हम अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते हैं। बट वन थिंग सर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, आई एम इंटरेस्टेड इन पावर। सूर्य, तुम हमें बहुत पसंद आए, तुमने जिस तरह लालू को सपोर्ट किया हमें बहुत खुशी हुई। तुम जब भी दिल्ली आओगे तो मुझसे जरूर मिलना, दिल्ली से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे मांगना। आपके दिल्ली को क्या चाहिए? क्या आपको दिल्ली चाहिए या नहीं, दिल्ली के सिर पर बैठना चाहते हैं या नहीं? चाहता तो हूं, लेकिन कैसे होगा? आने वाले चुनाव में आप ही की पार्टी जीतेगी, उसके बाद आप ही राज चलाएंगे, चुनाव का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। कितने पैसे लगा सकते हो? इंडिया में आपकी तरफ से लड़ने वाले किसी भी कैंडिडेट को जेब से एक भी रुपया निकालने की जरूरत नहीं, टोटल पैसा मैं लगाऊंगा। दरअसल पूरे इंडिया में कितने सीट है जानते हो? और हर एक सीट पर कितना खर्चा होता है पता है? हर सीट पर कम से कम 20 करोड़ का खर्चा रखेंगे तो भी 10,000 करोड़ हो जाते हैं। बकवास किए जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पिछली बार सिर्फ अहमदाबाद में 60 करोड़ खर्च हुए, जयपुर में 50, जैसलमेर में 35, जबलपुर, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, राजकोट, पनाजी, नासिक, बैंगलोर, कोची, कोल्लम, उड़ीपी, इन जगहों में ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। तो फिर चंडीगढ़ और लक्षद्वीप को कंपेयर क्यों कर रहा है? सिर्फ यहां साउथ मुंबई में ही 250 करोड़ का खर्चा हुआ है। हर जगह वोट्स 500 के भाव में नहीं बिकते, कई बार 5,000 देना पड़ता है। जान भी चली जाए लेकिन जीतने वाले सेंटर को ही खरीदना चाहिए। हकीकत में कितना खर्चा होता है किसी को पता नहीं होता। सर, पार्टी के लिए आखिर आप क्या कर सकते हैं? पैसा इकट्ठा करने में कितनी तकलीफ होती है जानते हैं आप? चुनाव से पहले वोट खरीदने के लिए घर, जमीन, सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। पिछले चुनाव में 25,000 करोड़ खर्च हुए थे, अब महंगाई बढ़ गई है इसीलिए रकम भी बढ़ानी पड़ेगी। इस बार चुनाव के लिए 40,000 करोड़ का खर्चा होगा और यह सारा पैसा मैं दूंगा। आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करके इलेक्शन के टाइम मुझे 25 हेलीकॉप्टर्स भेज दीजिए। हेलीकॉप्टर किस लिए? पैसा बांटने के लिए अकल के अंधे बेवकूफ। आपके हाई कमांड से बात कीजिए, अपने प्रमुख को सूर्या के बारे में बताइए। मुझे दिल्ली से कुछ नहीं चाहिए सर,
मैं दिल्ली आपकी झोली में डालता हूँ। शाबाश, शाबाश, वाह वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मेरे ये जलवे, मेरे लटके, मेरे ये झटके, मेरी अदाएं, मेरा ये जादू। ऐसी जवानी क्या जो ना कर दे यहाँ, हर दिल को मेरे इशारों पे कर दे बेकाबू। We love, we love, we love, we love bad boys, bad boys. We love bad boys. We wanna wanna bad boys. We love bad boys. We wanna wanna bad boys. घूंघट में ना छुपा के रखे, खुल्लम खुल्ला हमसे प्यार करे। से भी ज्यादा अगर हमसे वो शर्माए तो क्या हो राम जाने, दिल की लगी को वो बुझाए तो माने। हम बिजली है तो वो शोला बन जाए, जादू सा हम पे वो आए छा जाए। वो हमको रोके ना, हम उनको टोके ना, अपनी तीखी नजरों से वो नाजुक नाजुक तन पे वार करे। वाले मेरे नखरे भी उठाए, मेरे आशिक मुझे पलकों पे बिठाए और मुझ पे जान लुटाए। हमको अपने इशारों पे नचाए, धीरे से हमको हमसे छुड़ाए। ऐसे होंठ वाले हम पे डाका डाले, पूजा बूजा नहीं करे, हम पे इमोशनल अत्याचार करे। तुम्हारे डैड कहाँ? क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हारे डैड कहाँ? क्या करने वाले हो मेरे डैडी को? डैडी! जयदेव, जयदेव पवार, उसे छोड़ना मत, उसे गोखले के मरने के बाद अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब चुनाव से पहले उस सूर्या को भी मार दिया तो मैं इत्मीनान से शपथ ग्रहण कर सकता हूँ। जय देव पवार भारत का 14वां प्रधानमंत्री बनेगा।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं भी तुम्हारी ही तरह रोया था। 14 साल की उम्र में मैं इससे भी ज्यादा रोया था। माँ पापा अमेरिका में रहा करते थे, मेरा जन्म भी वहीं हुआ। मेरे पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे। कमाया हुआ सारा पैसा लेकर अपनी जन्मभूमि को अच्छा करने के लिए नासिक आए। वहां मेरे पापा एक लोकल लीडर से मिले, उसका नाम जयदेव पवार था। ट्रस्ट ओपन कर रहा हूं कहकर मेरे मां बाप को मनवा कर उनसे पैसा लूटकर बेरहमी से मार दिया उसने। मेरे पापा पर बार बार चाकू से वार किया। उस जालिम ने मेरी मां को भी नहीं बख्शा। खाकी वर्दी पहनने वाले हर इंसान के सामने हाथ पैर जोड़कर मैंने इंसाफ मांगा, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इंसाफ की देवी की आंखों पर ही नहीं, कानों पर भी पट्टी बंधी है, यह मैं समझ गया। अरे मैंने तेरे को पहले भी बोला ना, जा यहां से। सोचकर हैरान हो गया कि मेरे पापा ऐसे लोगों के लिए सब कुछ छोड़कर आए थे। पल भर में अनाथ हो गया मैं। खाने के लिए खाना नहीं, सोने के लिए जगह नहीं, किसी सड़क के कुत्ते की तरह लोग लात मारते थे मुझे। घिन आने लगी इन इंसानों पर, इस सिस्टम पर और इस देश पर भी। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। 120 करोड़ लोग एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ हो गया था। उन 120 करोड़ लोगों के साथ खेलने का फैसला किया, इसीलिए इतने साल इंसानों के बारे में पढ़ा, स्वार्थ के बारे में पढ़ा। यहां नो मॉरल्स नो रूल्स, किसी को टपकाना है तो बस टपकाना है, किसी को लूटना है तो बस लूटना ही है। दिखाई नहीं देता, वरना तुम्हारे उस भगवान को भी मैं नहीं छोड़ता। तुम्हारा कैंडिडेट सिलेक्शन मुझे पसंद नहीं आया। रायपुर में जो खड़ा है वो वेस्ट है। वो महबूब नगर का कैंडिडेट डरपोक है। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। पेंदो। बोकारो, अजमेर, रांची, पटना, उड़ीपी, तेनी, इन सारे कैंडिडेट्स को बदलना पड़ेगा। कुछ अच्छे लोग लगाओ यार, कैरेक्टरलेस कैंडिडेट्स पर पैसा लगाने में पागल हूं। सबसे पहले इन लीडरों को ठीक करना है। जीवन एक सफर, भाग सारे ये जीवन। हर सेटलमेंट के लिए 100-100 करोड़ मिलने चाहिए। ऑल इंडिया लेवल पर हर महीने पहले भी हम 100 सेटलमेंट करते थे। पेंडिंग वाले हर लफड़े को बाहर निकालो और जहां लफड़ा नहीं है वहां क्रिएट करो। चल चल बे, ये जीवन एक सफर। जहां से जितना पैसा मिल सके कलेक्ट कर लो और जल्द ही 30,000 करोड़ जमा होने चाहिए। पोरबंदर का उम्मीदवार बहुत ज्यादा पावरफुल है। सूर्या से बात करके उससे मिलने को बोलो। भाग साले, साले भाग। जो पॉलिटिशियंस रखेल रखते हैं उन्हें पार्टी टिकट नहीं देती। हाँ भाई, उस कमीने जयदेव की भी दूसरी बीवी है, उसका एक बेटा भी है। तो उसकी बीवी से बात करो, कह दो पवार की आधी प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाकर मीडिया के सामने बुलाओ उसे। जी हाँ, जय पवार मेरे पति हैं। 5 साल पहले हमारी शादी हुई थी, हमारा 3 साल का बच्चा भी है। ये रहा डीएनए सर्टिफिकेट। चौंका देने वाली डीएनए टेस्ट, जिसकी वजह से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा जयदेव पवार को। सर,
एक हफ्ते में चुनाव होने वाला है, 120 करोड़ खर्चा कर चुका हूँ, ऐसे में मुझे हटा देंगे? हटाए नहीं तो और क्या करें, तुम तो डूबोगे, पार्टी को भी ले डूबोगे। अरे भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है ये, हर मंत्री हर नेता अय्याश और बदनाम है। अरे ये लोग हमारे देश को आखिर कब तक चलाएंगे? सिर्फ जय पवार की नहीं, उस पार्टी के हर नेता की नाजायज बीवियां हैं, नाजायज औलादे हैं। ये क्या है क्या है, ये देश को आगे बढ़ा रहे हैं या अपनी फैमिली बढ़ा रहे हैं? ये मेरा अड्डा है तो 1000 साल है। पचहत्तर न्यूज चैनल्स हैं, न्यूज रिपोर्टर से लेके न्यूज रीडर तक सबको एक एक कार गिफ्ट कर दो। हर न्यूज़पेपर, हर न्यूज चैनल में पार्टी के लिए पॉजिटिव खबर चाहिए। भ्रष्टाचार की शिकार जनता इस बार लगता है कि विपक्षी दल को बहुमत देने वाली है। एग्जिट पोल्स के रिजल्ट भी अपने ही फेवर में आने चाहिए। सर्वे के मुताबिक विपक्षी दल को 80% वोट मिलने की उम्मीद है। हर जगह ऐसी धूम मचा दो कि अपनी पार्टी का फीवर सर चढ़कर बोले। प्रधानमंत्री बनेंगे। 5 दिन पहले पैसा देंगे तो पीकर भूल जाएंगे। 1 दिन पहले पैसा देना, चुनाव के 1 दिन पहले साक्षात लक्ष्मी आसमान से बरसेगी। दुनिया में एक कहावत है, धन दौलत शाश्वत नहीं, इंसान शाश्वत है। यहां इंसान मर रहा है लेकिन करेंसी कभी नहीं मरती। तुम लोग एक काम करो, इंसान के मरने से पहले उसके मुंह में पैसा भर दो। ये मेरा अड्डा है तो 1000 साल है। हेलो, कहां पर? हाँ ठीक है, रखो। नसीर, हाँ भाई, भिवंडी के पास रिगिंग हो रही है, अपने आदमी भेजो। शकील, हाँ भाई। नसीर, भाई चुनाव पर ठीक से ध्यान देना, मैं आता हूँ। भाई अपन भी चले, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। ये क्या, कोई हथियार नहीं है तेरे पास? तेरे पास तो है ना, उसी से काम चला लूंगा। क्या? क्या है, लगा दिया ना वाट साले, चाकू मारा, गोली चलाई, फिर भी दिल नहीं भरा तेरा। मार खा के भी आगे क्यों बढ़ रहा तू है? उस दिन मैं कैसे नहीं मरा मेरी समझ में अभी तक नहीं आया, लेकिन उसी दिन से मेरी किस्मत चमक गई। उस सिंपथी की बदौलत मैं एमएलए बना और इतनी ऊंचाई तक आया। पीएम बनने ही वाला था कि तूने बीच में आकर सारा खेल ही बिगाड़ दिया कमीने। देश भर में चुनाव हो रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री बनना था उसे राजनीति से संन्यास लेने पर मजबूर कर दिया। आखिर कब तक बदला लेता रहेगा मुझसे, बोलना। तू क्या समझता है तुझसे बदला लेने के लिए मैं जिंदा हूं? तू जैसे बहुत से लोग मेरी जिंदगी में आए और गए,
हर एक स्टेज पर कोई ना कोई, तू दोबारा मेरी जिंदगी में लौट आया है। मैं चाहूं तो तुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? बहुत मार लिया, बता चित्रा कहां है? चित्रा नहीं है बे, उसे मार दिया। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, चित्रा अभी जिंदा है। तेरे एक मजाक से 6 लोग जान गंवा बैठे, ऐसे मौकों पर मजाक नहीं करते। तूने चित्रा को कुछ भी किया तो मैं आऊंगा, ये तू जानता था, पर मैं आऊंगा तो क्या करूंगा ये तू नहीं जानता। सही कहा, नहीं जानता तो करके दिखाना। दिखा दिखा, अरे करके दिखाना। आज मैं तेरे बारे में सबको जानना चाहता हूँ, चल मुझे करके दिखा। दिखा दिखा करके दिखा। तुझे देखने का इतना ही शौक है तो मैं आखिर क्या कर सकता हूँ? तेरी जिंदगी की हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, आगे बात करने के लिए तू नहीं रहेगा और तेरे बारे में बात करने के लिए ये कुत्ते भी नहीं रहेंगे। साले को मारो। बचे हुए टट्टुओं को खत्म करने से पहले चित्रा को बुला। तूने चित्रा को नहीं बुलाया तो मैं दोबारा पूछूंगा भी नहीं कि चित्रा कहां है, उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मार दूंगा इसे छोड़ने। तू ऐसा क्यों घूर रहा है? पहली बार जिंदगी में मुझे मौत से डर लग रहा है। तेरी मौत, तुझे तुम्हें। उसे छोड़ दे, जो भी करना है मेरे साथ कर। तुझे क्या कर सकता हूँ मैं? तुझे मारने के अलावा और क्या कर सकता हूँ? तुझे मरते हुए देखना है मुझे, गन से धर 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 छलनी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ले चला। तू चलाएगा या मैं खुद चलाऊं? खुद चलाएगा? अरे सुना तूने, चला ले चला ले चला ले, खुद चला ले। नहीं नहीं सूर्या, सूर्या नहीं, प्लीज नहीं सूर्या, प्लीज ऐसा।
मैंने जिंदगी में सबके साथ बिजनेस करके कामयाबी हासिल की, लेकिन तुमसे नाकामयाब रहा। आई लव यू। तुम्हें शायद लगता होगा मैं अब भी तुम्हें धोखा दे रहा हूं। मरते हुए कोई भी कभी झूठ नहीं बोलता। ऐसा मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। गोली मुझ पर चली है, तुम पर। मैं, मेरा प्यार सच्चा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर मैं मर गया तो फिर वेल एंड गुड, लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच निकला और मैं बच गया ना, तो फिर इंडिया की वाट लगा दूंगा। भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में कृपा शंकर शुक्ला कल अपनी शपथ ग्रहण करेंगे। समाचार मिला है कि इसके फौरन बाद ही वो मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे प्रमुख बिजनेसमैन सूर्या गवारीकर से मिलने के लिए चले जाएंगे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करने के बाद आज सूर्या इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट और बिजनेस बैंक आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन करने आ रहे हैं। इस मौके पर आप देश के नौजवानों को क्या संदेश देंगे? आप लोग पूछ रहे हैं इसीलिए बता रहा हूं। जिंदगी एक जंग है। ऊपर वाले ने हमें वॉर जोन में फेंक दिया है। बी अलर्ट, प्रोटेक्ट योर सेल्फ। जिंदगी में एक मंजिल चुनना जरूरी है। जुनून के साथ दौड़ो। पढ़ना है तो जुनून के साथ पढ़ो, गाना है तो जुनून के साथ गाओ। बिना मंजिल के जीने वाले की जिंदगी मुर्दों से भी बदतर है। उसके जीने मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रख लो, खुद से बढ़कर यहां कोई तुर्रमखान नहीं। जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा टारगेट है 10th mile तो एम फॉर द 11th mile। ऐसा हाथ मारो कि दिमाग घूम जाए। चल। This movie encoded poster by Guys about AMJ. AGS. కలబడితే వదలను రోయ్, ये मेरा अड्डा है तो हजार साल है।